जय हिंद दोस्तों। टेम्पो की टक्कर की वजह से एक 7 वर्षीय बच्ची की दुखद मौत हो गई है। ये भाईंदर वेस्ट के भोला नगर की घटना है। बच्ची खेल रही थी, उसे टेम्पो टक्कर मार देती है और उसकी दुखद मौत हो जाती है। टेम्पो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई मीरा भाईंदर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर। मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बता देता हूँ। दूसरी खबर ये है कि आज उद्योगपति रतन टाटा को उनके निवास स्थान मुंबई स्थित निवास स्थान में उद्योग रत्न पुरस्कार खुद देने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। इस दौरान कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। तीसरी खबर ये है कि एक डेटा सामने आया है जिसके अनुसार मीरा भाईंदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेम्बा में अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच करीबन 57 लोगों की मृत्यु हुई है। चौथी खबर ये है कि मनोर के एक बॉयज हॉस्टल से काफ़ी दुखद खबर सामने आई है। एक 19 वर्षीय स्टूडेंट की खिड़की से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो स्टूडेंट खिड़की से कैसे गिरा, क्या वो इंटेंशनली जंप किया या फिर कोई और रीज़न था। पांचवी खबर ये है कि दिल्ली मुंबई फ्लाइट पर एक पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर खींच ली। ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया है और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई मीरा भाईंदर से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच।